राम मंदिर निर्माण का 35% काम पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण का तीसरा चरण संचालित है। इसमें रामलला के गृह को आकार देने का काम हो रहा है। गर्भगृह निर्माण का काम 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर निर्माण के अपडेट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन राम मंदिर का 35% काम पूरा हो चुका है। इस समय मंदिर निर्माण का तीसरा चरण संचालित है। इसमें रामलला के गृह को आकार देने का काम हो रहा है। गर्भगृह के साथ साथ प्लिंथ व रिटेनिंग वाल का भी काम संचालित है। ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक रामलला के गर्भगृह निर्माण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नामी तकनीकी एजेंसियों के निर्देशन में बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मंदिर निर्माण के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंदिर निर्माण के दो चरण अब तक पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में राम मंदिर की 50 फीट गहरी नींव तैयार हुई, दूसरे चरण में मंदिर की रॉफ्ट का काम पूरा हुआ और तीसरे चरण में रामलला के गर्भगृह निर्माण का काम संचालित है। इस तरह मंदिर निर्माण का अब तक 35% काम पूरा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि प्लिंथ का काम सितंबर तक पूरा होगा। 21 फीट ऊंची मंदिर की प्लिंथ में ग्रेनाइट के कुल 17,000 पत्थर लगने हैं, जिसमें से अब तक 7,000 पत्थर लग चुके हैं। वहीं गर्भगृह में अभी महापीठ का निर्माण हो रहा है। जहां रामलला विराजमान होंगे उस हिस्से को महापीठ कहा जाता है। महापीठ निर्माण में अब तक 42 शिलाएं बिछाई जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार की नींव का काम पूरा होने के बाद अब पश्चिम दिशा में दीवार खड़ी करने का काम शुरू हो चुका है। ट्रस्ट के सूत्रों ने बताया कि गर्भगृह के महापीठ जहां रामलला चारों भाइयों के साथ विराजमान होंगे, मंदिर के प्रथम तल पर ठीक महापीठ के ऊपर ही राम दरबार की स्थापना की जाएगी। दूसरे तल को अभी खाली छोड़ने का निर्णय लिया गया है। राम मंदिर का मुख्य द्वार गोपुरम की तर्ज पर बनेगा। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होगा। गोपुरम दक्षिण शैली के मंदिरों में बनाए जाते हैं। दक्षिण के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। यह पिरामिड के आकार का होता है। राम मंदिर का प्रवेश द्वार भी इसी शैली में बनाया जाएगा। उत्तर भारत में इन्हें सिंह द्वार कहा जाता है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार में बेहतरीन शिल्पकारी व नक्काशी देखने को मिलेगी। प्रवेश करते ही रामायण युग का एहसास होगा। राम कथा व देवी देवताओं के चित्र द्वार की भव्यता बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।